हेलो दोस्तों दोस्तों इस पूरी दुनिया में लगभग 195 कंट्रियां हैं और सभी कंट्रियों के पास अपनी अपनी मिलिट्री फोर्सेस हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी देश हैं इस दुनिया में जिनकी मिलिट्री फोर्सेस बहुत मजबूत है और इनसे लड़ने या टक्कर लेने की बात कोई सोच भी नहीं सकता। आज दोस्तों ऐसे ही आज दो कंट्रियों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। एक है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री हमारी इंडिया, और एक है फर्स्ट लार्जेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्री चाइना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो एक भी सेकंड बिना स्किप किए आज की ये वीडियो देखना ज़रूर। दोस्तों तैयार हो जाइए आज की ये वीडियो के लिए। तो दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करें। करते हैं पहले सैनिकों की। तो दोस्तों चाइना के पास लगभग 13,35,000 एक्टिव सेना है और 14,00,000 अभी भी रिजर्व सेना है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं इंडिया के सैनिकों की। तो इंडिया के पास औसतन 14,00,000 एक्टिव सेना है और 21,00,000 रिजर्व सेना है। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं बजट की। वैसे तो दोनों देश में गरीबी बहुत है, लेकिन ये दोनों देश अपनी मिलिट्री के लिए बहुत पैसा खर्च बजट। तो चलिए बात करते हैं चाइना की बजट की। तो चाइना के पास $228 बिलियन बजट है, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये 17,37,000 करोड़ रुपए हो जाते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इंडिया की बजट की। तो इंडिया का बजट है $61 बिलियन, जिसे अगर भारतीय रुपये में कन्वर्ट कर दिया जाए तो 4,64,000 करोड़ रुपये बन जाते हैं। दोस्तों चाइना को सेकेंड हाईएस्ट बजट मिलिट्री कंट्री भी माना जाता है और इंडिया को फोर्थ हाईएस्ट बजट मिलिट्री कंट्री भी माना जाता है। दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं दोनों देशों की टैंक्स के बारे में। दोस्तों अगर चाइना की टैंक्स की बात करें तो चाइना के पास 9,150 मेन बैटल टैंक्स हैं। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि उनके पास 4,292 टैंक्स हैं और चाइना के पास 4,788 आर्मोर्ड व्हीकल्स हैं और इनके पास VD4 टाइप 99 टैंक है। तो अब बात करते हैं इंडिया की टैंक्स की। तो इंडिया के पास 5,978 टैंक्स हैं और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया के पास लगभग 6,000 टैंक्स हैं, जिनमें T-72 और T-90 जो कि रशिया की दी हुई टैंक्स। तो हमारी इंडिया भी चाइना को भरपूर टक्कर दे रही है सब चीज़ों में। तो दोस्तों ये थी दोनों देशों की मिलिट्री की ताकत। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आपको क्या लगता है कि दोनों में से कौन सी कंट्री मजबूत है, कमेंट कर जरूर। दोस्तों मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और देखते रहिए द यंग ट्यूब। Thank you for watching and bye from now on.